नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है संदीप सिंह। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पे है। ऑप इंडिया करके एक ट्विटर पे अकाउंट है जो कि न्यूज़ देते रहते हैं, तो इनका मैंने एक उससे क्या कहते हैं अभी ट्वीट देखा जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में लोग, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान शब्द बोला ना मैंने, तो हिंदू मुस्लिम मत करना मेरी वीडियो पर आके, और हिंदू मुस्लिम से इसका कुछ लेना देना भी नहीं है, ये सेंसिटिव मुद्दा है। और ये मैंने पढ़ा तो मुझे इस पर वीडियो बनाने का मन हुआ, बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, हिंदुओं से भी कोई नफरत नहीं, मुझे किसी जाति से कोई नफरत नहीं है। तो भैया, लड़की लड़की होती किसी की भी हो। तो अब मैं जो आगे वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, तो बात यह है कि पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं लोग जिनकी लड़कियाँ उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी कब्र पर लोहे का दरवाज़ा लगा के, मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा साथ में फ़ोटो भी, कब्र पे दरवाज़ा लगा के और ताला डाल रहे हैं लोग। मतलब पाकिस्तान में अगर जवान लड़कियां मर रही हैं, जैसे किसी बुखार की वजह से या किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है या आपातकालीन किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो उनको जो दफनाया जाता है उसके बाद में उनके घर वाले उनकी लड़कियों की लाश भी सुरक्षित रहे, इसलिए कब्र पे ताला डाल रहे हैं। और ताला डालने की वजह यह है कि जो कब्र में कब्रिस्तान में एक रखवाला होता है ना, उन लोगों से बचने के लिए या बाहरी लोगों से बचने के लिए। पाकिस्तान में लोगों की मानसिकता, सब लोगों की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की मानसिकता इस लेवल तक गिर चुकी है कि वो सबों के साथ में भी रेप कर रहे हैं। 2011 में भी ऐसा एक मामला आया था जिसने, रिजवान नाम का एक आदमी था जिसने ये कबूला था कि वो 48 लड़कियों के सबों के साथ में बलात्कार कर चुका है, और 2021 में ही ऐसा एक मामला आया था, 14 साल की एक लड़की उसने कब्र से निकाली और उसको कुछ दूर ले जाकर उसके साथ में बलात्कार किया, बाद में पकड़ा गया वो। तो इन्हीं सब वारदातों से बचने के लिए, क्योंकि लड़की जिंदा पे तो सही है कि नहीं सेफ थी, हालांकि घर वाले सेफ रखते हैं किसी तरह से, लेकिन मरने के बाद कब्र में कम से कम वो सेफ रहे, इसलिए उस पर ताला लगा रहे हैं। हैरिस सुल्तान है जो शायद नास्तिक हैं, और कर्स ऑफ गॉड और बाय आई लेफ्ट मुस्लिम वो इस्लाम, इस तरह की शायद उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने भी अपना एक ट्वीट करके ये फ़ोटो डाला है जिसमें दो कब्रें दिखाई गई जिन पे ताला लगा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि नेक्रोफिलिया करके एक बीमारी होती है, नेक्रो का मतलब होता है सब, ये अलग लैंग्वेज में होता है नेक्रो का मतलब सब, और फिलिया का मतलब होता है प्यार, तो मतलब सबके साथ में प्यार। तो नेक्रोफिलिया करके एक बीमारी होती है जो कि पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ रही है, और उसकी वजह से लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि वो जो लाश कब्र में कब्रिस्तान में कब्र में गाड़ दी गई है उसको निकाले, उसके साथ में प्यार करे, और उसके साथ में वो प्यार क्या, वो प्यार उनको लगता है वो प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये दरिंदगी है, बहुत ज़्यादा जाहिलपन है, और ऐसे लोग तो जलील ही होते हैं चाहे कोई भी हो। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं तो लोगों की मानसिकता किस लेवल तक गिर चुकी है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैंने ये खबर देखी, मैंने पढ़ी, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ, मेरे जरिए भी आप लोगों को जाना चाहिए। तो यही टॉपिक था मेरा, हम मिलेंगे, हम अपना टॉपिक यही ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। लोगों की मानसिकता का स्तर कितना ज़्यादा गिर चुका है ये बहुत सोचने वाली बात है, और लड़कियां पाकिस्तान में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मतलब मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान में कब्रिस्तान के अंदर ऐसी दरिंदगी हो सकती है तो जो लड़कियाँ जीवित हैं उनके साथ में क्या हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। और मैं रिपोर्ट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप देख ही लेंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केमचो, कड़ीकम्बा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो। और ऐसा ना करें, अगर आपके आसपास कोई ऐसी मानसिकता वाला आदमी तो उसको पुलिस में ज़रूर दें। धन्यवाद।